हम आपको सिखाएंगे आज एक बड़ी मज़ेदार सी मलेशियन कड़ी। जब हम बात करते हैं मलेशियन रेसिपी की तो बड़ी सिंपल होती है, इजी होती है, इंग्रेडिएंट्स जो इनके बड़े मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसमें एक अज्जा डलेगी जो कि मेरे हिसाब से आजकल मार्केट में हर जगह मिलती है, जिसको हम कहते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ये पड़ा है। अब मुझे कोई कहेगा लेमन ग्रास ये ड्राई होती है, आप दूंगा तो अगर आप मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इन मुल्कों में जाए, जिसको हम कहते हैं फार ईस्ट, तो इसमें क्या होता है कि इधर एक ग्रास होती है जो बेसिकली होती है लेमन ग्रास, ये बिल्कुल होती है हरी प्याज की तरह। इसको अगर सुखा देते हैं तो ये इस तरह की शक्ल लेती है। अच्छा, ड्राई है, इसको आपने डायरेक्टली ऐसे नहीं डालना, हम इसका बनाएंगे पेस्ट, इसको हम आमेजा कहते हैं, और फिर हम यूज करेंगे साथ साथ चिकन बोनलेस यूज करेंगे, साथ साथ इस्तेमाल करेंगे कोकोनट क्रीम। अगर कोकोनट क्रीम नहीं मिलती, कोकोनट आप लोग मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नमक हसबे जायका थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा, कॉर्नफ्लोर गाढ़ा करने के लिए, ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली इस्तेमाल होगा। फिर हम इस्तेमाल करेंगे प्याज, बेली जिसको हम तेज पत्ता भी कहते हैं, चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे, लहसुन अदरक ताज़ा इस्तेमाल करना है, साथ साथ इस्तेमाल काली मिर्च, हल्दी, फिर आपने इस्तेमाल करना है जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ इस्तेमाल होनी सिंपल है, इजी है। क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है एक फूड प्रोसेसर में, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन माहम आप आज हेल्प करेंगे हमें इसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे ये मसाले। ठीक है, अच्छा, इसका जो हम पेस्ट बनाएंगे, आपने याद रखना है कि ये पेस्ट बेसिकली आप फिर बाद में फ्रिज में भी रख सकते हैं और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने निकाले, 3 टेबलस्पून डाला चिकन में, टक 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 बना के आपने साइड पे कर दिया। ठीक है, अब हम इनको लेके चलते हैं वहाँ, उनको हम करते हैं अच्छे से प्रोसेस। ठीक है, अब सबसे पहले आपने करना कि आपने सबसे पहले डालनी है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को मैं अकेले और खाली करूंगा ग्राइंड, उसकी वजह है बिकॉज सबसे ज्यादा इसका टेक्सचर टफ होता है, और अगर आप इसमें कुछ और चीज डालेंगे तो सही से वो ब्लेंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम डाल के 20 सेकंड करें। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हो गया। अब हमने करना क्या, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन, फिर हम डालेंगे इसके अंदर अदरक, फिर मैंने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल डालडा का, जो कि 2 times मोर रिफाइंड है, और साथ साथ एक बड़े मज़ेदार से पाउच में आता है। हम लोग जानते हैं कि डालडा 80 years से माहम हमारे साथ है, इसका जो एतमाद है और जो फैमिली के साथ हम लोग चल रहे हैं वो बेहतरीन है। अच्छा माहम, मसाले हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमने ये पूरा ऐड कर देना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये भी हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। काली मिर्च वहाँ ले जाएं, ये नहीं जाएगी, और साथ साथ हम 1 teaspoon डालेंगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हल्दी। हल्दी, ठीक है, साथ साथ मैंने काम करना है, मैंने एक प्याज लेना है, एंड दैट्स इट, बिकॉज इसका एक पेस्ट बनेगा। ठीक है, इसको मैंने पुश करना है और मैं इसको करूँगा अच्छे से प्रोसेस। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने करना क्या, आपने बड़ी ही सिंपल रेसिपी है, इसको आपने रेडी करना है। माहम इसमें डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, तकरीबन माहम आप इसमें डाल दें 1/4 cup। ठीक है, अभी रेसिपी बहुत जल्दी जल्दी पकेगी। साथ साथ माहम ये कर रही है, हम एक काम करते हैं, हम चिकन लेते हैं, चिकन को हम बीच से काटते हैं, थोड़ा और डालेंगे माहम, एक दिन इंशाल्लाह अंदाज़ा भी आपका पक्का हो जाएगा, और फिर आपका आपको लोग कहेंगे शेफ माहम, होस्ट माहम तो है ही आप माशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह शेफ माहम भी बनना जल्दी है। सही है, ठीक है। नहीं वैसे कप में डाल के अगर मैं डालती तो वो तो शायद समझ आ जाती, तभी तो अंदाजे से चिकन होगा, अंदाजे से पकाना तो फिर एक माहिर शेफ का ही काम। ये हमने इसको यहाँ निकाल लिया। ठीक है, अच्छा मैंने एक सिर्फ सिंपल काम करना है, मैंने इसके लंबे लंबे पीसेस करने। ठीक है, हम रखेंगे 1/2 inch का फासला माहम, जब 1/2 inch का फासला रखेंगे उससे होगा ये कि जो हर पीस है वो इक्वल भी होगा और बड़े मजे का एक स्ट्रिप बनेगा। ठीक है, स्ट्रिप बन रहा है। अच्छा, नाइफ़ जितनी तेज़ होगी उतना चिकन अच्छा कटेगा, अगर नाइफ़ तेज़ नहीं रखेंगे तो आपका सबसे पहले तो हाथ कटेगा। ठीक है, और साथ साथ आपके पीसेस भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मैं आगे की तरफ नाइफ को पुश कर रहा हूँ काटने के लिए, ये बात याद रखिएगा, हमारे ताकि इक्वली पीसेस बने। ठीक है, सिंपल ईजी, कोई इतना मसला नहीं है, ये भी हो गया। ठीक है, अब मैंने काम करा, मैं हाथ रिंस करता हूँ, और हाथ और नाज़रीन हाथ धोने की बात हो रही है तो हाथ हम धोएंगे पामोलिव सोप से, जिसके 5 सोप हैं, 5 के 5 के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, और ये बने हैं नेचुरल एक्सट्रैक्ट से जो आपके हाथों को मॉइस्चराइज भी करते हैं और साथ साथ डलनेस से भी बचाते हैं। चलिए माम, तेल आपने बड़े अच्छे तरीके से गर्म किया है। ठीक है, अच्छा
क्विक एंड ईजी रेसिपी है। सबसे पहले आपने करना कि हम एक आप मुझे थोड़ा रस्ता देंगी, दूसरा मैं टीस्पून निकालूंगा। अच्छा, हमने जब भी कोई थाई रेसिपी बनानी है, थाई ग्रीन कड़ी हो गई, रेड कड़ी हो गई, येलो कड़ी हो गई, या अगर हम इस तरह का मलेशियन डिश बनाते हैं तो इसका पेस्ट है, समझें ये इस तरह, जिस तरह आप जब चाट मसाला खरीदते हैं या बिरयानी मसाला लेते हैं या अचार गोश्त अचार चिकन, हमने इसे मसाला ऐड कर डिश बन गई, टमाटर शमाटर डाले, पेस्ट बन गया, तो हमने बस इसमें तो पेस्ट डाला है हमने, ठीक है। और ये पेस्ट हमने फ्रीज करके भी रख सकते हैं, वैसे भी रख, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसमें तकरीबन 7 टेबल स्पून डाल दिए, ठीक है। इसको टिल्ट करते हैं, इसको हमने फ्राई करना, फ्राई करना है। हाँ, इसके अंदर बेसिकली प्याज भी है, इसमें बाकी सारे मसाले भी हैं जो पकेंगे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने अलग से डालना है, लहसुन अदरक भी जा चुका है। ये मैं वो इफ्तार रेसिपी सिखा रहा हूँ आपको जो कि आप बनाएं, क्विकली बनाएं, किचन में झटपट जाएं, झटपट निकल भी आए, ताकि आपको रोजा भी ज्यादा ना लगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी माएं बहनें जो बड़ी मेहनत करती हैं इस महीने में, रोजे की हालत में काफी मुश्किल पेश आती है, ठीक है जी। ये हो गया, इसको जरा चेक करें, ये देखें बेहतरीन हो गया। अच्छा, हमने इसको सिर्फ 20 से 30 सेकंड हमने कुक किया है, साथ साथ मैं चिकन ऐड करूंगा इसके अंदर, इसको हम साइड पे रखते हैं, ठीक है। आग हमने तेज रखी है, अब चिकन को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे, कितनी देर? कोई 5 से 6 मिनट। ओ नहीं मामा, हमने इसको फ्राई करना है 45 सेकंड तेज आग, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, ठीक है। इसको मैं दूंगा लिड, ठीक है, अब मैं इसको पकने दूंगा, ठीक है। मलेशियन कोकोनट चिकन बनाने की तरकीब। एक कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच तेल गरम करें, चिकन को टुकड़ों में काट लें और फिर गोश्त को तकरीबन 1 इंच गहरा गोल करें। चिकन के टुकड़ों को तेल में डालें और हर तरफ यकसा तौर पर हल्का ब्राउन होने तक भूनें। दूसरे पैन में तेल गरम करें और प्याज डालकर नरम होने तक पकाएं। लहसुन अदरक मिर्च नारियल और हल्दी शामिल करें। मिक्सचर को तकरीबन 1 मिनट तक हिलाएं। फूड प्रोसेसर में लेमन ग्रास को छोटे कटे हुए टुकड़ों में तब्दील करें। फिर इसमें लेमन ग्रास धनिया जीरा कड़ी पत्ती और नारियल का दूध शामिल करें। यकजा होने तक अच्छी तरह हिलाएं। चिकन के टुकड़े शामिल करें और 15 से 20 मिनट तक या पसंद के मुताबिक नरम होने तक पकाएं। डिश निकालकर सर्व करें। लेकिन सिर्फ मैंने इसको हल्की आंच में छोड़ा था, ऑयल में फ्राई हुआ है। अब सारी चीजों को एक साथ हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ये कोकोनट पाउडर है, ठीक है, अभी नहीं, लेकिन उससे पहले कोकोनट आपने मिल्क ऐड करना है। ये देखें खानदानी तरीके से चला गया, ठीक हो गया। कोकोनट पाउडर नहीं था, ये रहा कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर है जो थोड़ा मैंने कॉर्नफ्लावर रखा था वो मैंने डाल दिया। अच्छा, बेसिकली मैं ये लेने गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं फैला के डालूंगा, इससे थोड़ा फ्लेवर ऐड होता है। अच्छा, नमक हमने अभी तक डाला नहीं है ज़्यादा, हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है। फिर आपने इसमें डालना है चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ठीक है। और जुप आग तेज़ करें और इसको मिक्स करें हल्का हल्का। अच्छा, हमने असल में किया क्या, चिकन को फ्राई कर लिया, चिकन हो चुका है अभी ब्रेक के दौरान अच्छे से कुक, क्योंकि उसने अपना पानी निकाला, पानी खुश्क हुआ। अब हमने इसकी बना ली है ग्रेवी, ठीक है। इसको अब मैं पकाऊंगा तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आग पे, लेकिन थोड़ा पानी डालना है मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप, ठीक है, पानी डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 चुटकी काली मिर्च, ठीक है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़े की है, हल्का हल्का करके इसको पकाएंगे और ये देखें आपका फ्लेवरफुल डिश आज की तैयार है। चावलों के साथ एंजॉय करें ना, मज़ा आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन मज़ा आएगा। चलें, ठीक है, दिस इज डन।